अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं हमारे घर पे, जो इतने महीनों से आप सुन रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन घर बन रहा है वो ये है। तो ये हमारा तकरीबन लास्ट 2 मंथ्स पहले का लुक है, आई थिंक, या 1.5 मंथ पहले का लुक है, जब ये बना नहीं था और मिस्त्रियों ने काम स्टार्ट किया हुआ था। तो अभी इसका प्लास्टर लगा हुआ था, तो तब की मैंने वीडियो बनाई थी और ये हमारे सामान वगैरह आ चुके थे। उसके बाद मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। अभी ये मेरा घर बन रहा है, यहाँ पे इन्होंने लगा दिए थे, जो क्या कहते हैं, स्टेप लगा दिए थे। तो उसके बाद हम आपको छोटे छोटे क्लिप दिखाएंगे अलग अलग डेज़ के, ना, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों बाद, यानी कि पूरे स्टेप लगने के बाद के ये मनाजिर हैं, चाहिए। उसके बाद ये वाली वीडियो बनाई थी मैंने, यहाँ पे भी काम चल रहा था। अब हमारा जो मार्बल है वो कमरों में लग चुका था पूरा, तब जब मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट में, तो तब नहीं बना हुआ था इतना अच्छा ना। तो ये मार्बल पूरे फ्लोर में लग चुका था। अभी नीचे के स्टेप बाकी थे, तो ये तकरीबन फिर दो तीन दिन बाद, यानी कि 4 दिन बाद का है, ठीक है। फिर मैंने दूसरी भी छोटी सी क्लिप बना ली थी, मैंने एक स्नैप भी यहाँ पर ऐड कर दी थी, ताकि आप लोगों को आसानी से वीडियो में जो है ना हमारा रूम नज़र आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली आपको लेके जाएंगे घिसाई पे, क्योंकि छत की जब डल रहे थे मार्बल, तो तब मैं नहीं गई थी। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि वो गई तो थी, लेकिन यही समझ लें कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, वो इसलिए नहीं बनाई थी। और सबूतन मैंने अपना पाँव दिखाया आप लोगों के, यस आई एम मौजूद हियर। तो ये लोग अभी ये घिसाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा स्नैपचैट है, मुझे स्नैपचैट पे ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, और आप लोग भूल जाते हैं हमेशा से, लेकिन अब ना भूलें। उसके बाद अब ये हमारा जो है, अभी तक हमारी घिसाई चल रही है, इंशाल्लाह 2 या 3 डेज़ के अंदर हम वापस शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि घिसाई एक फ्लोर रेडी है, बल्कि 2 फ्लोर रेडी है, लास्ट वाला फ्लोर रहता है। अभी ये जो हमने, यानी कि जो मैं अभी आपको मनाजिर दिखा रही हूँ, ये हैं सेकेंड घिसाई के बाद, ठीक है। फिर से मैं उसी रूम में आपको लेकर आई हूँ, और यहाँ पे पूरा मार्बल लग चुका था, जो सीढ़ियों पे बाकी था ना वो भी लग चुका है, मतलब एंड तक पहले नहीं लगा हुआ था, अब लग गया है पूरा ना। और अब इसने जो घिसाई जो शुरू की हुई है, तो इस रूम की शायद एक हाथ लग चुका है, अभी दूसरा लगेगा, क्योंकि ये घिसाई के बाद के दूसरे मनाजिर हैं ना। तो इसने कहा था 3 हाथ मारूंगा, इस तरह की वो बोला था। तो जिस तरह उसने बोला है, मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद ये हमारा किचन है ना, और किचन में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्त्रियों का पड़ा रहता है। और जब ये फाइनल हो जाएगा, तो मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा दूँगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे इंस्टाग्राम पर ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम आगे चलते हैं। अब ये है रिसेंटली, यानी कि आज की वीडियो, जिस दिन ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ उसी दिन की वीडियो, क्योंकि अब हम लास्ट पे हैं। और ये हमारा मदरसा है, ठीक है। मदरसे में मैं हमको बाद में लेके जाऊँगी, और उसके बाद हम आ गए सीढ़ियों पे, सीधा हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको लेके जाऊँगी, ठीक है। और ये ऊपर का देखें, घिसाई चल रही है, लास्ट है, और आज यहाँ की पॉलिश भी हो जाएगी, और साथ साथ हमारा कलर भी हो चुका है। अभी ये लोग लंच ब्रेक पे गए हुए हैं, तो इसलिए मैं आ गई हूँ बीच में वीडियो बनाने के लिए। और ये दीवारों पे कलर हो गया, क्योंकि ये आप लोग सोच रहे होंगे पूरे घर में एक जैसा कलर क्यों करवाएं, क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग करवानी है, और अभी नहीं करवा रहे क्योंकि अभी हमें जल्दी से शिफ्ट होना है, क्योंकि इंशाल्लाह ईद आने वाली है उससे पहले, ठीक है। और ईद के बाद हम इस पर डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी हमें अच्छी लगेगी वो हम करवा लेंगे, और हमारे जो क्या कहते हैं, जो भी चेंजेस आएंगे तो वो फिर पता नहीं लगेंगे। और उसके बाद कोई मसला भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इस तरह कर लेंगे, और कलर वाले से भी बात हो गई थी, उसने कहा था अगर कोई मसला होगा तो मैं आ जाऊंगा, घिसाई वाले से भी बात हो गई थी। ये मेरा रूम है, इस रूम में देखिए मैंने अलमारी बनवाई है, जिसमें मिस्त्रियों के सामान रखे हैं, क्योंकि अब तक मेरा सामान यहाँ पर पहुँचा नहीं है, जो भी पहुँचो ऊपर वाले फ्लोर स्टोर रूम पर। और ये मेरा किचन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इनके रेडी हो चुका है, चूल्हे भी आ चुके हैं, वो इंशाल्लाह मम्मी सेट कर लेंगे। ये मैं आपको दिखाऊं, ये लोग अपना सामान सारा बिखेर के रखते हैं, मैं अगर हटा भी दूँ तो फिर भी इन लोगों को मुश्किल हो जाती है ना। अभी मैं आपको छत पर लेके चलती हूँ, छत की भी हमने वो बनाई हुई है, क्या कहते हैं, छत की वीडियो बनाई हुई है। और जो वो नीचे जो हमारा मदरसा है, वो मैंने आपको अभी
वीडियो मैंने इसलिए नहीं बना के दिखाई क्योंकि वहाँ पे वो काम कर रहे थे, वो ग्लैंडर चल रहा था और उसका बड़ा शोर था, तो इसलिए फिर मैंने उसको स्किप कर दिया था और मैं ऊपर आ गई थी। और ये हमारी छत है, ठीक है, ये हमारी छत रेडी हो चुकी है। और रेडी होने के बाद अभी यहाँ पे पूरा सामान पड़ा हुआ है ना, तो इस सामान की वजह से ना अभी हम लोगों ने इसकी अच्छे से सफाई भी नहीं की है। तो अभी हमको सीढ़ियों का भी दिखाएंगे कलर, ये देखिए पाइप वगैरह की फिटिंग, कलर वलर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुका है। तो अभी जो वो जल्दी के मुकामात हैं ना वो हैं, वो मुझे ये भी लुक मेरा बड़ा प्यारा लगा। यहाँ सीढ़ियों से मैं अपना घर देख रही थी, मेरे को बड़ा हसीन सा लग रहा था, मैंने कहा जी ज़रा मैं ये वाला लुक देख लूँ। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल अच्छे से तैयार हुआ हुआ घर आपको दिखा देंगे। और अब हम नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, और ये वाला जो पाइप है ये अभी अभी लग रहा है। और मैंने आपको बताया ये लोग लंच करने गए हैं, तो इन लंच वालों को तंग किए बिना हम बाहर जाते हैं और वो गिलेंडर वाले को गिलेंडर चलाने देते हैं। तब तक मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और अब हम चले घर पर, अल्लाह हाफिज़।